गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज तोमर, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको चैप्टर वन रेशनल नंबर कंप्लीट करा चुका हूं, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा चुका हूं, आज हम एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है आपका लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने सभी वीडियोस को देखा है चैप्टर वन की, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है। आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, जैसा कि आप चैप्टर टू का नाम सुन रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो सेवंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर यानी इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं आज और अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करा देता हूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है बच्चों, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है? तो सबसे पहले मैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल इज अ मैथमेटिकल टर्म। ठीक है बच्चों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एलजेब्रिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो देखिए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल टर्म, यानी जो ये यूज किया जाता है यह एक मैथमेटिकल टर्म है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या लिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वन। और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे टू वाई प्लस फाइव या टू एक्स वाई प्लस नाइन, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकता हूं बच्चों। ठीक है, तो देखिए ये मेरे क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्यों? देखिए एक्स हमारा यहां पर क्या है? वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, प्लस क्या है यहां पर? हमारा एलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी प्लस क्या है हमारा? एलजेब्रिक ऑपरेशन। वन क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज वेरी करती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वे वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है बच्चों, जिनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है ना बच्चों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स भी होता है, कॉन्स्टेंट भी होता है और आपका एलजेब्रिक ऑपरेशंस भी होता है, यानी इन सभी चीजों से मिलकर हमारा क्या बना होता है बच्चों? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है बच्चों,
तो अब बात करते हैं, तो समझेंगे लीनियर एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने जैसा कि एलजेब्रिक ऑपरेशंस में मैंने ये लिया आपका, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ कोई भी एग्जांपल, जैसे 1 + x + x² + x³, तो ये भी मेरा क्या है, ये भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर बात हो रही है लीनियर एक्सप्रेशंस की। किसकी बात हो रही है बच्चों? लीनियर एक्सप्रेशंस की। तो लीनियर एक्सप्रेशंस में क्या होता है बच्चों कि लीनियर एक्सप्रेशंस में ऑलवेज, जैसे मैंने ये लिख दिया 2x, ठीक है बच्चों, 2y + 5, ये मेरा क्या है, ये क्या है, मेरे लीनियर एक्सप्रेशंस है। क्या है? लीनियर एक्सप्रेशंस है। लीनियर एक्सप्रेशंस की पहचान बच्चों ये होती है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, इसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, 1 होती है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर जिस लीनियर यानी जिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का 1 होगा वो हमारा लीनियर क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 2x हमने देखा, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ पे जैसे बाई वेरिएबल दे रखा है, इसकी भी पावर कितनी है हमारी, 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख सकते हैं, 2y - 32, तो ये सब हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए किसके, लीनियर एक्सप्रेशंस के, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों कि इक्वेशन क्या होती है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन को समझने के बाद में फिर हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और हाउ टू डिफाइन इट, कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए थर्ड टर्म और देख लेते हैं आपका, लीनियर एक्सप्रेशन समझ में आया, यानी ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर यानी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, कितनी हो, 1 हो, ठीक है बच्चों, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सप्रेशंस कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और नोट करा देता हूं, जैसे कि मान के चलिए 2x / 5 है बच्चों, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे बच्चों दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है बच्चों, इसलिए ये हमारे क्या होंगे, लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे ये लिख दूं बच्चों 2x + 3y, ठीक है बच्चों, तो ये भी मेरा क्या होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, बट ये मेरा लीनियर एक्सप्रेशन किसमें, दो वेरिएबल में, किसमें, दो वेरिएबल में, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ के आ रहे हैं, एक वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर इसका एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं अब इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों हमने क्या देखा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा, लीनियर एक्सप्रेशंस देखे, अब हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। एन एलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेलिटी, इज एन इनइक्वेलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। तो एन एलजेब्रिक एक्स एक्स जो हमारा इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है वो एन एलजेब्रिक इक्वेशन होती है, क्या होती है, एन एलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेलिटी, इज एन इक्वेलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, यानी एलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर इक्वेलिटी का साइन होता है, क्या होता है बच्चों, इक्वेलिटी का साइन होता है,
ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ बच्चों, एग्जांपल लेके। जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, 5x माइनस 7 इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने ये एक इक्वेशन ले ली, ठीक है ना। ये क्या है, एक एलजेब्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन या एलजेब्रिक इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं कंप्लीटली इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्या है बच्चों, ये कंप्लीटली क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है, एलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। यहां पर हमारा ये क्या है, एक्स। यहां पर ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या है, फाइव क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। फाइव यहां पर क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स। यहां पर जो फाइव है, जो एक्स के मल्टीप्लाई में फाइव दे रखा है, ये क्या कहलाता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। सेवन हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमारा क्या है, इक्वेलिटी साइन। क्या है बच्चों, इक्वेलिटी साइन, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, इक्वेलिटी साइन, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या हो गया, एन एलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गई, एग्जांपल हो गया, जिसमें एक्स हमारा वेरिएबल होता है, एक्स के मल्टीप्लाई में जो होता है उसे हम कॉफिशियंट ऑफ एक्स कहते हैं, यानी कॉफिशियंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, फाइव, ठीक है बच्चों। ये हमारा इक्वेलिटी साइन होता है, ठीक है। आइए इसी में मैं आपको आगे और समझाता हूं कि इसमें और भी टर्म्स यूज होते हैं आपके, उन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो देखिए, आपका जो ये इक्वेशन है आपका ये, इसमें और हमें क्या देखना है कि इन अ इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन एंड राइट हैंड एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है बच्चों। देखिए जैसा कि मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, 5x माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया, 9, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है, एलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा इक्वेलिटी साइन दे रखा है, इस इक्वेलिटी साइन के लेफ्ट साइड में जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। यानी इक्वेलिटी साइन के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड साइड होता है। और इक्वेलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन हमारे लिखे जाते हैं वो हमारी कौन सी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड। यानी इक्वेलिटी के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड होती है और इक्वेलिटी के राइट साइड में राइट हैंड साइड होती है, ठीक है बच्चों। तो एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड में जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, उसकी वैल्यू के बराबर होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन इक्वल फॉर अ सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किसी निश्चित मान के लिए क्या होते हैं, दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं आपको यहां पर लिखकर बता देता हूं, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, इन अ इक्वेशन, इन अ इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन, ऐसे लिख ली, वैल्यूज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक्सप्रेशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट
राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, क्या होती है बच्चों? इक्वल, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइड होती है? ये हमारी क्या होती है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है बच्चों, और ये हमारी क्या होती है? राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। तो ये क्या है जो सेकंड पॉइंट है, जैसे मान के चलिए इक्वेशन के अंदर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप सेकंड पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इन अ इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ये क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन हमें गिवन होती है, उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, यानी 5x-7 और इधर क्या दे रखा है 9, इन दोनों की वैल्यूज ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। कैसे होती है वो देख लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, क्या लिया हुआ है? ये एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 की जगह 6 ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 5x-6=9 है, ठीक है बच्चों। तो मान के चलिए यदि मैं इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पर कितना रख दूं? 3 रख देता हूँ, ठीक है बच्चों। जैसे मान के चलिए मैंने x इक्वल टू कितना ले लिया? 3। कितना ले लिया? 3 ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब मैं x इक्वल टू 3 इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन को ले लेता हूँ बच्चों, कितना है मेरे पास? 5x-6, ठीक है बच्चों। जब मैं x की जगह पर 3 पुट करूंगा, कितना रखूंगा? 3 पुट करूंगा, तो बच्चों ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 5 × 3 यानी 15 आ गया, 6 ये कितना आ गया? 9। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही मैंने 3 रखा, तो मेरा जो वैल्यू आ गया एक्सप्रेशन का, यानी लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया? 9। और 9 किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी 9 इक्वल टू, यानी ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड, यानी मेरा आ गया LHS बराबर क्या आ गया बच्चों? RHS, ठीक है ना। तो यहां पर x इक्वल टू 3 रखने पर इन दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उन दोनों की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल। तो बच्चों जो ये वैल्यू इक्वल आती है वो किसी सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आती है, यानी एक्स की केवल एक ऐसी वैल्यू होती है, एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए ये क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है। तो एक्स की वह वैल्यू, अब मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। एक्स की वह वैल्यू जिसको एलजेब्रिक इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो ऐसी वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ऐसी वैल्यू को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जैसे ही हमने इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स इक्वल टू 3 रखा, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आ गई? इक्वल आ गई। इसीलिए हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है बच्चों। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ
algebraic is an linear equation in one variable is a algebraic equation. Algebraic equation of order 1 which is expressed in the standard form ax plus b equal to 0. ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ एलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b equal to 0 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए डॉट इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है बच्चों, a not equal to 0 and a linear equation has only one solution. Linear equation ठीक है बच्चों, linear equation in one variable linear equation in one variable has only वन सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, हैज ओनली वन सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं किसी भी एलजेब्रिक इक्वेशन का, कि जब किसी भी एलजेब्रिक इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और उस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएं तो उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन ऑफ द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है बच्चों. अच्छा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे 2x = 1, ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है बच्चों, और भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे 7x - 9. ठीक है बच्चों, और 5x - 2 = 7x + 2, ये भी हमारी क्या है बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल. देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे यह लिखा हुआ है कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax + b = 0 होती है. ठीक है, तो देखिए मैं इन सब को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. देखिए, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ बच्चों, तो मैं 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 1 = 0. सिमिलरली यदि मैं -9 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो जाएगा 9, इतना आ गया बच्चों. ठीक है ना, इसी तरीके से मैं 7x को इधर ले आऊंगा, 2 को भी इधर ले आऊंगा, तो टोटल इधर आगे कितना हो जाएगा बच्चों, 0. ठीक है ना, तो जैसे मैं 7x को इधर ट्रांसपोज करूंगा बच्चों, तो 5x - 7x, -2 हमारा इधर है ही लेफ्ट हैंड साइड में, 2 को भी मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये -2 आ जाएगा बच्चों, और इधर क्या रह जाएगा राइट हैंड साइड में 0. ये टोटल यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस का 2x आ जाएगा, 5x में से -7x गया तो -2 कितना हो गया बच्चों, 4. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसी भी फॉर्म में लिखी हो बच्चों, अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, यदि वह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वो यदि किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये टर्म यूज किया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b, यानी जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है वो यह इस फॉर्म में होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये बच्चों. ठीक है ना, तो ये हमारे एग्जाम्पल थे बच्चों जो मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पर. ठीक है ना, तो चलिए
ये हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, ठीक है ना। इसके एग्जांपल आप अगर और लिखना चाहे तो और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2y + 5 = -9, 2x - 7, 2x - 7/2 = -7/9। तो ये मेरे सब क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हमने देखा, मैंने आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताया, लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, और जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो ये होता क्या है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ऑर्डर होता है वो वन होता है, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax + b = 0 होती है, ठीक है बच्चों। जहाँ पर a और b हमारे दोनों इंटीजर्स होते हैं, x क्या होता है, वेरिएबल होता है, और हमारे जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इसकी एक ही वैल्यू, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। इसका सॉल्यूशन कितना होता है, केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो आपको x की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज मैंने आपको इस लेक्चर में कंसेप्ट बताया था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है, इससे अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर जिन बच्चों को भी अगर हमारी वीडियो की ज़रूरत है और आप उन बच्चों के कॉन्टेक्ट में हैं, तो उन बच्चों को हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है बच्चों। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि सर मेरी ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको कमेंट देखकर बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।